is about law, and the topic is the Indian Contract Act 1872. एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. हमारे इंडिया का आप कोई भी एक्ट ले लो लॉ का, ठीक है, उसका सेक्शन वन किसके बारे में डील करते ले? Yes, everyone. टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी. और सेक्शन टू किसके बारे में बात करते हैं? डेफिनेशंस. सेक्शन वन हमें जो बताता है कि वो लॉ का टाइटल क्या है और वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है कि नहीं, इसकी स्टोरी. हु विल टेक द इनिशिएटिव? यस, एनीवन इन द क्लास? यस नेहा, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज क्लैप फॉर हर, एटलीस्ट शी हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर द सेम. यस बेटा, जब पार्टीशन हुआ था हमारा, तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था वो भी अलग हो गया था, बट द टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम जब उस पर मिलिटेंट्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, देन जम्मू एंड कश्मीर प्रपोज टू इंडिया दैट कि हमें भी इंक्लूड कर लो, बट उन्होंने एक शर्त रखा, एक कंडीशन रखा कि हमारे जो सारे नॉर्म्स और डिसीजंस होंगे, रूल्स होंगे, वो सब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब हमारी लोकल बॉडी, मतलब जो उनकी रूलिंग पार्टी है, वो अप्रूव करेगी जम्मू एंड कश्मीर ने कश्मीर पे, तभी जो इंडिया के रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे. इसलिए हमें सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी पढ़ाई जाती है कि वो जम्मू एंड कश्मीर पे वो जो हमारा लॉ है वो एप्लीकेबल है या नहीं है. वेरी गुड बेटा, तो इस तरीके से मैं जब भी रिवीजन करवाऊंगी, किसी भी बच्चे को एट रैंडम पॉइंट आउट भी कर सकते हो. अभी तो मैंने वॉलंटियर को यहाँ पे बुलाया था, तो मेरी क्लास में द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव. फाइन, तो चलिए बैक टू बैक हम बेसिक्स जो इसके कॉन्ट्रैक्ट के कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन टू सबसेक्शन एच कैसे याद रखा हम लोगों ने? हाई से, ठीक है. अब वो आगे बढ़ते हैं. क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? यस. अब यानी कि हर वो एग्रीमेंट जो कि लीगली एनफोर्सेबल है वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है. एंड एग्रीमेंट का सेक्शन हमें कैसे याद रखा है? कम ऑन एवरीवन, एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. तो ई, अभी एग्रीमेंट ज्यादा होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं? क्यों होते हैं ज्यादा? बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से कुछ एग्रीमेंट्स जो कि लीगली एनफोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे. तो हमने बहुत अच्छे से इसको याद रखा, कैसे? ई फॉर एलिफेंट, एग्रीमेंट ज्यादा नंबर में होते हैं, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. यस एवरीवन, एग्रीमेंट. और अगर वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है, यानी कि पर्सन अगर आपको कोर्ट में ड्रैग करता है, तो तभी वो उसको हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. तो हमने इसको ह्यूमर क्रिएट करके याद रखा था, कैसे? हाय, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अब इसके साथ साथ हमने जब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें बेटा ये चीज हमने करी थी बैक टू बैक कि एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर का सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस का 2B. अब देखो ये हमने कैसे याद रखा था. A फॉर एप्पल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के जब सेक्शन स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले हम एग्रीमेंट को बताते हैं, तो 2A हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन A ऑफर है, ठीक है. डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर. तो हमने ये चीज समझ ली, क्या ऑफर देने के लिए, क्या सिर्फ कुछ करने के लिए हो सकता है? नो, कुछ मना करने के लिए भी हो सकता है. एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को पैसे देती हूँ कि आप ये चीज मत कर, तो कुछ करने के लिए या मना करने के लिए? मना करने के लिए, ठीक है. और ऑफर आपने दे दिया, नाउ इट्स हाई टाइम कि वो ऑफर एक्सेप्ट होगा, तभी वो क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है. तो एक्सेप्टेंस उस ऑफर की कोई भी कर सकता है? No, जिसको ऑफर दिया गया. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या बोलता है? व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. तो क्विकली, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफर, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. फिर से हमने ह्यूमर क्रिएट करा था कंसिडरेशन याद करने के लिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी. कैसे याद किया था? फिर से रिपीट करवा देती हूँ. एक डॉगी आप घर पे पालते हो, एंड अगर उसे फीड नहीं करवाओगे, सिर्फ बात नहीं करेगा, बाइट भी करेगा, तो ऐसे ही
जब तक आप किसी एग्रीमेंट में आगे प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बनता, कंसिडरेशन नहीं देते, तो कंसिडरेशन का सेक्शन डॉग से हमने डी वहां से याद रखा, सेक्शन टू सब सेक्शन डी कंसिडरेशन. क्या बोलते हैं कंसिडरेशन? गीतांजलि, when at the desire of promiser, the promisee or any other person. Stop. हमने कैसे याद रखा था? हमारे जो टेंसेज हैं, थ्री टेंसेज हैं इंग्लिश के, वहां से हमने इस डेफिनेशन को याद रखा था. कैसे? Has done, does, promises to do, has abstained, abstains, or promises to abstain. ठीक है? So let's repeat it again, guys. Come on. When at the desire of promiser, the promisee or any other person has done, does, or promises to do, has abstains, abstains, or promises to abstain. तो आगे हमने कैसे याद रखा था? ऐसा act, ऐसा abstinence या ऐसा promise क्या होगा? Consideration. So such an act, abstinence or promise is called consideration. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, हमने कर तो लिया हर वो एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हमें समझने बहुत एसेंशियल है. सो लेट्स डिस्कस दोज डिफरेंसेस. एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पर्सन ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, तो एग्रीमेंट बन गया. और जब वही एग्रीमेंट में लीगल कंपोनेंट आ गया, मतलब लीगल एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, व्हाट डज दैट मीन? ड्रैग, यू मे ड्रैग द पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या सिर्फ आप कर सकते हो? नहीं, अगर आपने भी ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करी, दूसरा भी आपको कोर्ट में ड्रैग कर सकता है. उसी को तो हम क्या बोलते हैं? लीगल एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, यानी कि पार्टी कैन सू एंड बी सूड. लेट्स डिस्कस द सेकेंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. स्कोप, किसका स्कोप ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट का. बिकॉज हमारे पास बहुत सारे एग्रीमेंट्स होती है, लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. इनमें से कुछ जो लीगली एनफोर्सेबल होंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? हर एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें आ रही है, तो स्कोप किसका लेस हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का लेस हुआ और एग्रीमेंट का ज्यादा हुआ. देन इज लीगल ऑब्लिगेशन. सिंस हमने ये चीज बेटा समझ ली कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ एग्रीमेंट में क्या नहीं है, जरूरी नहीं वो एलिमेंट मिसिंग है, अगर वो भी एलिमेंट हो जाता तो वो क्या बन जाता? एक कॉन्ट्रैक्ट. तो यानी कि अगर किसी पर्सन ने अपनी ऑब्लिगेशन एक एग्रीमेंट में फुलफिल नहीं करी, तो क्या आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं? नो. सो इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. एंड इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस किया था? हस्बैंड वाइफ वाला. हस्बैंड ने प्रॉमिस करा वाइफ को मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देगा, एंड ये उसने वर्बल फॉर्म में था, रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वाइफ यू कर सकती है? नहीं कर सकती है, बिकॉज इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट. ठीक है? और एग्रीमेंट में गाइस क्या नहीं होती? लीगल एनफोर्सेबिलिटी. चलिए नेक्स्ट. इसी से हम लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है नेचर, इसको डिस्कस करेंगे. अभी बेटा हम ये सारी कहानी डिस्कस करके आए हैं कि जो एग्रीमेंट जब तक लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. तो क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? नो. वही एग्रीमेंट जिनमें लीगल कंपोनेंट प्रेजेंट है वही क्या बनेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं? यस. इसीलिए ये हमारा एक और क्या बन गया? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. ठीक है? तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अगर किसी एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी फैक्टर आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एंड हमारे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 10. वेरी गुड. स्टार्ट करें वो सारे पॉइंट्स. चलिए फर्स्ट एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में क्या चाहिए? दो चीजें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. देन फ्री कंसेंट. कंसेंट कब फ्री मानी जाती है? गीतांजलि, be quick. When it is not caused by coercion, influence, fraud, misrepresentation and mistake. Fine. And उसके अलावा क्या एक minor भी कर सकता है? No. फिर अगर उसने कर लिया तो हमने बोला capacity of parties होनी चाहिए. Capacity of parties. कौन कौन सी पार्टीज नहीं अलाउड होती किसी कॉन्ट्रैक्ट में? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
ठीक है, सो बी क्विक. माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब बेटा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब हमने इसका डिस्कशन किया था माइनर के बारे में कि माइनर को क्यों रोका गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. यस, क्योंकि कोई भी उसका बेनिफिट. यस, वेरी गुड नेहा, क्योंकि कोई भी बेनिफिट उठा सकता है. तो उसका भी मेंटल स्टेट इतना स्टेबलाइज नहीं होता. अनसाउंड माइंड के साथ भी सेम सिचुएशन प्रिवेल करती है, लेकिन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. यानी कि अगर कोई पर्सन अभी जिसको पनिशमेंट हुई है, इम्प्रिजनमेंट हुई है, वो जेल से बाहर आए, या फिर इनसॉल्वेंट पर्सन, मतलब जो बैंकरप्ट हो गया है, या फिर एलियन एनिमी, इनको क्यों रोका गया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से? यस, ताकि ये किसी के एडवांटेज ना उठा ले. ठीक है, सो लेट्स रिपीट द पॉइंट्स अगेन. ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ. एंड इसके अलावा जब हमने कंसिडरेशन की थी बेटा, हमने इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी थी कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए. क्या अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई पेमेंट करनी है तो क्या आप डेक्वाइट मीन से या एटीएम तोड़ के पैसा दोगे तो क्या वैलिड बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं. और कंसिडरेशन में भी आपको क्या चाहिए? इट मस्ट बी लॉफुल इन फुल. अगर पार्ट में भी अनलॉफुल है तो क्या माना जाएगा? वॉइड. ठीक है, so this is our concept of the basics of a valid contract.